हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम 40 चेस्ट का कटोरी ब्लाउज की हम कटिंग देखने वाले हैं। चेस्ट है 40 इंच, उसका 1/4 लेंगे हम 10 इंच, लंबाई है ब्लाउज की 13.5 इंच, शोल्डर है हमारा 11 इंच, बाजू की लेंथ है हमारी 6 इंच और बाजू का बॉटम जो है वो है हमारा 13.5 इंच है, उसका हाफ हमने लिया है 6.5 इंच। अब गला, फ्रंट साइड का गला है हमारा 6 इंच और बैक साइड का गला है हमारा 9 इंच। ये गला लिखना बाकी था, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, जैसे हमने ये पेपर लिया है, पेपर के ऊपर हमें इसकी कटिंग करनी है। तो यहाँ पे पहले हमें क्या करना पड़ता है, लंबाई लेनी पड़ती है। तो ये इस तरह से ये लंबाई है और ये चौड़ाई है, तो यहाँ पर हम पहले लंबाई लेते हैं। लंबाई हमारी 13.5 इंच, यहाँ पर हम 13.5 इंच पर एक मार्किंग करेंगे और 14.5 इंच लिया है, 1 इंच हमने प्लस किया है। अब यहाँ पे हमें चेस्ट का 1/4 लेना है। चेस्ट का 1/4 है हमारा 10 इंच, इसके आगे हमें 1.5 इंच लेना है। यहाँ पे हमें गले का मार्किंग करना है 2.5 इंच पे, शोल्डर का मार्किंग करना है हमें 5.5 इंच पे, यानी कि 11 इंच हमारा शोल्डर है तो हम 5.5 इंच लेते हैं। यहाँ पे हमें आर्मोल जो है, आर्मोल लेना है 6 इंच। इस तरह से हमें इसका बॉक्स बनाते हैं। फ्रंट साइड का नेक है हमारा, हम ये फ्रंट साइड कट कर रहे हैं, हमने सिंगल पीस लिया है पेपर का, तो हम फ्रंट साइड कट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम फ्रंट साइड की गले की जो लंबाई है वो लेते हैं। यहाँ पे हम गले की लंबाई लेंगे 6 इंच। अभी यहाँ पे हमें 1.5 इंच पे एक मार्किंग करनी है, जैसे फ्रंट साइड की गोलाई जो है हम 1.5 इंच पे देंगे और बैक साइड की गोलाई जो है वो हम 2 इंच पे देंगे। इस तरह से यहाँ पे भी हमें गले के लिए राउंड शेप देना है। अब यहाँ हमें क्या करना है, जैसे ये हम कटोरी ब्लाउज की कटिंग कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमें 2.5 इंच पे एक मार्किंग करनी है और इस साइड में भी हमें 2.5 इंच लेना है। और यहाँ पे हमें एक सीधी लाइन खींचनी है। इस तरह से अब यहाँ पे हमने जो 2.5 इंच लिया है, हम क्रॉस पट्टी जो है वो अलग निकालने वाले हैं। यहाँ पे हम कटोरी के लिए यहाँ पे मार्किंग किया है, तो यहाँ हम कटोरी के लिए 6 इंच लेंगे, 6 इंच पे एक मार्किंग करते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमें 2.5 इंच लेना है, जैसे ये फ्रंट साइड की गोलाई है वहाँ से हमें 2.5 इंच पे एक मार्किंग करनी है। फिर उसके बाद यहाँ पे हमें गले के ऊपर एक मार्किंग करनी है और ये जो तीनों पॉइंट हैं इसे हमें ज्वाइन करना है। इस तरह से हम इसको ज्वाइन करते हैं। अब यहाँ पे हमें इसकी कटिंग करनी है, पहले हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। क्रॉस पट्टी जो है वो अलग निकालेंगे। इस तरह से हमने ये इसकी कटिंग की है, जैसे ये हमारी फ्रंट साइड है यहाँ पे। अब ये जो कटोरी है इसे हमें दूसरे पेपर पर बढ़ाना पड़ता है और ये जो है यहाँ पे हमें ये क्रॉस पट्टी अलग निकालनी है, तो पहले हम कटोरी को बढ़ाते हैं। कैसे बढ़ाते हैं वो देखते हैं। अब यहाँ पे हमें इस तरह से ये कटोरी लेना है और दूसरे पेपर पर इसको रख के ये जो है इसको मार्किंग करते हैं। इस तरह से हमने इसको, पहला जो कटोरी था उसको मार्किंग किया है, इसका हम पहले सेंटर निकालेंगे। जैसे 6 इंच हमारे कटोरी का जो मार्किंग किया था हमने, ये 6 इंच है तो इसके यहाँ पे हम सेंटर लेते हैं, यानी कि 3 इंच पे एक मार्किंग करते हैं। यहाँ पे हम 1.5 इंच पे
नीचे के साइड में, जैसे सेंटर से हम 1.5 इंच नीचे के साइड में लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम 1.5 इंच पे एक मार्किंग करेंगे, ये हमारा टक्स पॉइंट रहेगा। और ये जो कटोरी का हाफ है हमारा 3 इंच, तो ये 1.5 इंच के आगे हमें 3 इंच लेना है। हम 3 इंच पे एक मार्किंग करते हैं, उसके आगे हमें थोड़ा सा सिलाई मार्जिन के लिए लेना है। जैसे इस साइड में हमारा 1.25 इंच आया है, तो इस साइड में भी हमारा 1.25 इंच आना चाहिए यहाँ पे। अब इसको हमें ज्वाइंट करना है, यहाँ पे भी हमें इसको ज्वाइंट करना है, यहाँ पे भी हमें थोड़ा सा राउंड शेप देके इस तरह से इसको ज्वाइंट करते हैं। और यहाँ पे भी हमें थोड़ा सा राउंड शेप देके इस तरह से हमें इसको ज्वाइंट करना है। अब यहाँ पे जब हम कटिंग करेंगे तो यहाँ थोड़ा सा गले के लिए राउंड शेप देके हमें इसकी कटिंग करनी है। तो यहाँ पे हम बाहर के साइड से पहले हम कट करेंगे। इस तरह से हमने इसको कट किया है और यहाँ पे हमें 1/2 इंच का थोड़ा सा राउंड शेप देना है, क्योंकि हम यहाँ पे जो क्रॉस पट्टी है वो लगाते हैं, इसीलिए हमें 1/2 इंच का थोड़ा सा राउंड शेप देके इसकी कटिंग करनी है। तो ये हमने कटोरी की कटिंग की है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, जैसे आर्मोल जो है वो नापना है, ये आर्मोल जो है इसे क्रॉस में नापते हैं। इस तरह से हम इसको क्रॉस में नापेंगे, ये आता है हमारा 9 इंच। तो ये आर्मोल जो हमने क्रॉस में नापा है, 9 इंच हमारा आर्मोल जो आता है, इसे क्या करना है, अब हम स्लीव्स की कटिंग करते हैं। साढ़े 9 इंच लेना है, जैसे 1/2 इंच हमें प्लस करना है। तो 9.5 इंच हमारा आर्मोल जो आया था, 9 इंच हमारा आर्मोल आया था, इसमें हमें 1/2 इंच प्लस करना है और एक्स्ट्रा जो पेपर है उसे हमें कट करना है। अभी यहाँ पे हमें क्या करना है, जैसे 6 इंच हमारी लंबाई है तो इसमें हमें 1.5 इंच प्लस करना है। तो यहाँ पे भी हमें इसको एक्स्ट्रा पट्टी जो है इसे हमें ये फोल्ड पट्टी के लिए मार्किंग करनी है। यहाँ पे हमें 3 इंच पे एक मार्किंग करनी है, 1 इंच हम सीधा लेते हैं, यहाँ पे भी हमें 1 इंच सीधा लेना है। अभी यहाँ पे हमने 1 इंच ये सीधा लिया है, तो ये जो है यहाँ पे हम इस तरह से बाजू का शेप देते हैं। दूसरा जो शेप है ये 1 इंच में से निकाल के इसमें हमें ज्वाइन करना है। यहाँ पे हमें बॉटम लेना है 6 इंच, इसके आगे हमें 1.5 इंच लेना है। अब इसकी हमें कटिंग करनी है। अब ये जो फ्रंट साइड है, फ्रंट साइड की जो गोलाई है उसको कट कर लेते हैं। इस तरह से हमने ये स्लीव्स की कटिंग की है। अब यहाँ पे हमें क्रॉस पट्टी की कटिंग करनी है। अब क्रॉस पट्टी जो है, जैसे चेस्ट का 1/4 प्लस 1.5 इंच, तो यहाँ पे हम 1.5 इंच या 1 इंच लेंगे तो भी चलता है। इस साइड में हम 4 इंच लेते हैं, गले के साइड में 4 इंच लेना है, आर्मोल के साइड से हमें 3 इंच लेना है। अब यहाँ पे हमें इस तरह से इसको आर्मोल क्रॉस पट्टी का शेप देना है इस तरह से। अभी यहाँ पे हमें इसकी कटिंग करनी है।
इस तरह से हमने ये क्रॉस पट्टी की कटिंग की है। यहाँ पे हमने ये फ्रंट साइड जो है वो कट की है, जैसे यहाँ पे इस तरह से, और ये हमारी स्लीव्स। तो यहाँ पे मैंने आपको 40 चेस्ट कटोरी ब्लाउज की मैंने आपको कटिंग करके दिखाई है। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।